तो गुट कटो। मेरा नाम है राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री रामगिरी महाराज, गौ रक्षा सेवा संस्थान भारत। मैं पूरे भारत में भ्रमण कर करके नंदी गौशाला का निर्माण कराता हूं और नंदी जो गाय एक्सीडेंट होती है उसका इलाज करवा के आसपास के गौशाला में रखवाते, पर मेरा ध्यान ज़्यादातर रहता है नंदी गौशाला। गांव गांव में जाके मैं भ्रमण करता हूँ, बात करता हूँ, नंदी गौशाला का निर्माण करता हूँ। आज से दो दिन पहले मैं भीन्दमाल में गया था एक गौशाला की चेकिंग करने के लिए। गौशाला की शिकायत आई थी कि उस गौशाला के अंदर चमड़ा बेचा जाता है और गो जो गाय वंश जो देवलोक होती है जो मर जाती है उसको जो मोचियों को दी जाती है, वो मोची उसका मांस और चमड़ा बेचते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था, उसकी पूरी जांच की, उस गौशाला पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था। तो एक खुद को SS टाइगर करके बोलता है सुरेंद्र है, जिसका गाँव है रमणिया और उसको वो नाम है उसका SS टाइगर सुरेंद्र रमणिया, वो बोलता है मैं गोरक्षा कमांडो फोर्स का अध्यक्ष हूँ। वो भी मैं वहाँ गया तो वो भी साथ में था, तो न्यूज़ वाले मेरे पास आए थे, बोला महाराज जी आपने गौशाला चेक की, इसमें क्या है? तो मैंने न्यूज़ में ये दिया, गाय गाय यहाँ गौशाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौशाला सही चल रही है। तो गौशाला के अध्यक्ष और उनके सचिव, उन्होंने कहा महाराज जी न्यूज़ वालों को हमारा संदेश अच्छा देना। मैंने अच्छा दिया। न्यूज़ सुबह आई पेपर राजस्थान पत्रिका, उसमें सुरेंद्र SS टाइगर का नाम नहीं आया और उसका फोटो नहीं आया। तो उसके कारण वो मेरे ऊपर भड़ गया कि महाराज जी आपने गलत किया। मैंने बोला क्या गलत किया? तो बोला आपने मेरा नाम और मेरा फोटो क्यों नहीं छपवाया? मैं बोला भाई ये पत्रकार है, उनका काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो भी आपकी मर्ज़ी से आए थे और उन्होंने भी उनकी मर्ज़ी से लिखा, ये मेरी कोई भूल नहीं है। उसके बाद में मेरे को धमकियाँ देने लग गया, मैं आज टाइगर हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, मेरा टारगेट बड़ा है, मैं तेरा को ये बदनाम कर दूँ, ये कर दूँ। फिर इसने मेरे फेस, उसके खुद के फेसबुक पे इसने एक पोस्ट बनाई है, ये बाबा है, ये फर्जी है, ये ढोंगी है, ये है। मैं कहता हूँ कृपया करके, मैंने SP साहब को मैंने अर्जी दी है, SP साहब को ये निम्र विनती करता हूँ और सभी हिंदुओं को करता हूँ, मैंने आज दिन तक किसी से चंदा मांगा नहीं, मैं खुद का ही बिजनेस करता हूँ और खुद के ही बिजनेस से और धंधा भी संभालता हूँ, घर परिवार भी संभालता हूँ और गौ सेवा भी करता हूँ। मैं कोई मठ वाला बाबा नहीं हूँ, मैं कोई मठाधीश नहीं हूँ, ना कोई मैं मंदिर चलाता हूँ। मैंने मेरी मर्जी से गौ सेवा चालू की है, मैं मेरी मर्जी से गौ सेवा करता हूँ और मेरे खुद के ही पर्सनल पैसों से मैं चलता हूँ और मेरी वाहन लेके चलता हूँ और मैं गौ सेवा करता हूँ। मैं न कहीं चंदा लेता हूँ, न किसी से चंदा लिया है, न कोई बोल सके भी रामगिरी महाराज हमारे से चंदा ले गया। रिपोर्ट दी है SP साहब को बाड़मेर, यहाँ बाड़मेर के अंदर SP साहब को मैंने अर्जी दी है। SP साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये SS टाइगर है, ये हर किसी को धमकियाँ देता रहता है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप चेक करो, इन्हें कई बार तो ये जेल चुका जा चुका है और उसके मेरे को ये डर है, इसलिए मैं न्यूज़ दे रहा हूँ। मैं हिंदू भाइयों और गौ प्रेमियों और सभी समाज से हाथ जोड़ के निम्र विनती करता हूँ, ऐसे आदमियों को आप उस ऊँचा मत लो, ये साधुओं पर हाथ उठाता है, साधुओं को धमकी देता है, मैं टांगे तोड़वा दूंगा, मैं गाड़ी जला दूंगा, तेरे ऊपर ये कर दूंगा। तो कोई बात नहीं, जो करेगा वो देखा जाएगा, जो करेगा वो भरेगा। मैंने SP साहब को मेरा शरीर, मैंने सोचा ये क्या पता कहीं भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है, ये मेरे को डर था, ये नंगा आदमी है, इसके पास गैंग भी है, तो मेरे डर के हिसाब से मैंने SS टाइगर, ये SP को धमकी दे सकता है, हरदा SP को इसने धमकी दी थी अभी 3 साल पहले, ये जेल रह के आया है, तो मेरे को डर था। मैंने बाड़मेर SP साहब को अर्जी दी है, बाड़मेर SP साहब को मैं निम्र विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, इसको जरूर जल्दी से जल्दी इसको पाबंद करें और इसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों ये किसी के ऊपर कीचड़ उछालता है? मेरा फर्जी क्या इसने देखा? फर्जी है तो ये प्रूफ लेके आवे, फालतू मेरे ऊपर टिप्पणियों क्यों करता है? ये करके मैंने यही संदेश देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के निम्र विनती करता हूँ इसके ऊपर कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दे। SP साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा और हमको विश्वास है कि SP साहब इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करके इसको पाबंद करे, क्योंकि मेरे को डर है मेरे ऊपर ये हमला हो, करवा भी सकता है और कभी भी करवा सकता है, इसके कारण मैं डर के नहीं रह सकता हूं। मैं गौ सेवा करता हूं, पूरे भारत में भ्रमण करता हूं, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको सजा दे।